सी प्रोग्राम बनाने के लिए अपन टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एडिटर पे काम कर रहे हैं। इसमें अपन फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव एज कर लीजिए। सबसे पहले अपन फाइल का नाम देते हैं, सपोज फाइल का नाम सी प्रोग्राम, फिर ऑपरेटर लगाएंगे डॉट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन। यहाँ पर सी एक्सटेंशन ये शो करता है कि ये सी की फाइल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम की लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जैसे कि डॉट जावा, जावा की प्रोग्राम है, डॉट सी पी पी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, डॉट सी सी का प्रोग्राम है, डॉट डी ओ सी डॉक्यूमेंट है, डॉट एक्स एम एल डॉट एक्स एच टी एम एल, डॉट जे पी जी डॉट जिफ एक्सेट्रा। सो अपन एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। सी का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे को मेन फंक्शन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम मेन फंक्शन लिखेंगे। अब ये फंक्शन हम कंपाइल कर सकते हैं, ये सबसे छोटा प्रोग्राम है जैसे सी का। कंपाइल करते हैं तो एक वार्निंग आती है, वार्निंग कहती है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहता है, तो बाय डिफॉल्ट सी का प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखते हैं कैसे इसे हटा सकते हैं अपन। या तो आप इसके आगे लिख दीजिए वॉइड, वॉइड एक कीवर्ड है जो बताता है कि आपका प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं, देखिए वार्निंग हट गई, अब ये रन करने के लिए रेडी है। और अगर हम वॉइड हटाकर यहाँ पर इंट लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, तो जिसमें कि हमारे को कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी। जैसे कि जब हमारा कोई प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम ज़ीरो रिटर्न करवा सकते हैं। अब इसे अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये भी ज़ीरो वार्निंग दे रहा है, तो ये भी वैलिड है और वाइड भी वैलिड है। तो अभी हमारा रिटर्न का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम अभी इसे वाइड कर देते हैं। इधर जब आप इसे कंपाइल करते हैं, इसके बाद जब आप रन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसमें इस प्रोग्राम में अभी तक कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट या कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की है। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन है, फंक्शन डिनोट कर किया जाता है इन स्मॉल ब्रैकेट से। जब भी कोई फंक्शन लिखा जाएगा तो उसके आगे ये स्मॉल ब्रैकेट लिखे जाएंगे। इसके अंदर आप पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। इन ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम डबल कोट्स लगाते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो स्टेटस प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं और हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए अब इसे हम रन करें तो स्क्रीन आई कंसोल की और फिर चली गई। तो इसका कारण ये है कि आउटपुट तो आया था मगर वो हम शो नहीं कर पाए। उसके लिए हम एक फंक्शन और यूज़ करेंगे, गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे हमने तीन बार प्रोग्राम रन किया था, इसलिए तीन बार हेलो प्रिंट हुआ। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि प्रीवियस आउटपुट नहीं शो हो, उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन लिख सकते हैं। ओके, तो अब आउटपुट एक ही आ रहा है। यहाँ पर अगर हम यही प्रोग्राम सी एक्सटेंशन के बिना बनाते हैं नई फाइल में और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एक एरर आती है, सी एल आर एस सी आर शुड हैव अ प्रोटोटाइप, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप और गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप।
ये देखिए तीन एरर इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी डायरेक्टरीज हमने इंक्लूड नहीं करी है। अभी देखिए जो हमने इससे पहले प्रोग्राम लिखा था उसे डॉट सी से सेव किया था, यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट सी पी बी शो कर रहा है और ये सी पी बी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अभी इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी यहाँ दो एरर हो गई, कौन कौन सी, क्लियर स्क्रीन और कैट सी एच, ये दो एरर रह गई हैं जबकि प्रिंट एफ वाली एरर हट गई। एस टी डी आई डॉट एच जो हमने लगाया ये है हेडर फाइल, वो हेडर फाइल प्रिंट एफ की फंक्शन को इंक्लूड करती है। यहाँ पर डॉट एच जो एक्सटेंशन है वो शो करता है कि ये हेडर फाइल है। डॉट यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है, और एस टी डी आई ओ क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैश यहाँ पे प्री प्रोसेसर है और हैश इंक्लूड को कलेक्टिवली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, जो कि दो पर्पज से यूज़ हो जाता है। एक तो हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं या हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, आप खुद की हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और बनी बनाई हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी दो एरर रिमेनिंग है, तो जिसकी हेडर फाइल होती है कौन यू डॉट एच, सी एल आर एस सी आर और कैट सी एच की हेडर फाइल कौन सी होती है, कौन यू डॉट एच। देखिए जीरो एरर हो गई। अब इसे अगर हम रन करते हैं तो हेलो प्रिंट हो गया। ये चीज़ जब हमने करी है, जब हमने इस प्रोग्राम को डॉट सी पी पी से अभी प्रोग्राम चला रहे हैं, इसी प्रोग्राम को अगर हम डॉट सी में करते हैं सेव एज, अगर हम कोई और फाइल नाम से करा और डॉट सी एक्सटेंशन से सेव एज करते हैं और अब हम इसकी हेडर फाइल्स को हटा देते हैं, लेट सपोज हमने इन्हें कमेंट बना दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट शो होता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही हेडर फाइल अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब इसे हम अगर कंपाइल करते हैं तो ज़ीरो एरर आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब टर्बो सी प्लस प्लस का जो एडिटर है वो उस एडिटर में जब भी आप सी की फाइल बनाएंगे तो वो इन हेडर फाइल्स को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रहा है, जबकि डॉट सी पी पी में इसी प्रोग्राम को अगर अपन करके देखते हैं डॉट सी पी पी से सेव, और इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो तीन एरर फिर से शो हो जाती हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सी पी पी से अगर आप फाइल सेव करते हैं तो आपको सी की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा, जबकि आप जब सी की फाइल से स्टोर करते हैं यानी कि डॉट सी एक्सटेंशन से फाइल सेव करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ये दो हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। तो अभी तो हम जब सी पढ़ रहे हैं तो उस केस में हम सी की फाइल पर ही काम कर लेते हैं, तो इस केस में हमारा ये वाला प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से इसे, ये देखिए आउटपुट आ गया। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पर वॉइड जो है रिटर्न नहीं करना पड़े इसलिए लिखा गया है, मेन फंक्शन इसलिए लिखा गया है। मेन देखिए मेन भी फंक्शन है क्योंकि इसके आगे दो खाली ब्रेसेस, ये जो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं स्मॉल ब्रैकेट ये लगे हुए हैं, ये डिनोट कर रहा है कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का मीनिंग है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जीक्यूशन इससे पहले लिखी हुई हेडर फाइल से स्टार्ट नहीं होता, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद बॉडी आ जाती है और पूरी बॉडी के अंदर ही जो भी लिखा होता है वही एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन लिखा, क्लियर स्क्रीन हमने ऊपर इसलिए लिखा है कि जिससे कि जो भी प्रीवियस आउटपुट है या वेरिएबल्स में वैल्यू होल्ड करी हुई है वो क्लियर हो सके। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोट्स लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट करेगा, जैसे कि हेलो। ये स्टेटमेंट सेमीकॉलन से टर्मिनेट किया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट सेमीकॉलन से टर्मिनेट होता है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसके अंदर अगर आप प्रिंट एफ का पी कैपिटल कर देंगे जो कि डिफाइंड नहीं है इस तरीके से कर देंगे तो एरर आनी है। ये देखिए अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ इन मॉड्यूल सी प्रोग्राम डॉट सी। ओके सो
इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है तो वो स्मॉल में जनरली, तो जैसे कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट के अलावा हम सभी चीज़ों को स्मॉल में लिखा करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसको आप स्मॉल में ही रखिए क्योंकि वो स्मॉल में ही डिफाइंड है। अगर आप किसी वेरिएबल को कैपिटल में डिक्लेयर करते हैं या किसी मेथड को कैपिटल में डिक्लेयर करते हैं तो उसको आपको कैपिटल या स्मॉल में जो भी लिखा गया उसी तरीके से आपको कॉल करना होगा, अदरवाइज़ वो मिसमैच हो जाएगा, दोनों वेरिएबल अलग अलग आइडेंटिफाई होंगे। फिर इसके बाद हमने गेट सी एच लिखा है। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जैसे कि अभी आप देखिए आउटपुट पे बन करते हैं, यहाँ पर एक की इनपुट के लिए ये वेट करता है। सी का प्रोग्राम यहाँ पर एक की प्रेस का वेट कर रहा है। जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन से कौन सोर्स स्क्रीन पे रिटर्न कर जाता है। अगर हम यही गेट सी एच एक से अधिक बार लिखते हैं तो यही प्रोग्राम तीन बार की प्रेस मांगेगा, जैसे कि 1, 2, 3। ओके, तो ये तीन बार की इनपुट मांगेगा। इसी तरीके से हम गेट सी एच को ऊपर अगर कहीं लिख देते हैं तो ये इनपुट तो लेगा मगर इस बार शो भी करेगा। उसका कारण है, जैसे कि अब यहाँ पर मैं कोई की इनपुट करूँगा, मान लीजिए मैं कैपिटल मैं ई प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए